गुड मॉर्निंग सर जी। अच्छा अच्छा, पूरा स्टोन लगाना है। दयाल साहब गुड मॉर्निंग। लिफ्ट में टाइलिंग? सर आपसे नहीं, आपका तो प्लाई के ऊपर स्टोन लगाना है ना, आपका तो मेटल के ऊपर टाइलिंग करनी है ना। हो जाएगा, मेटल हो या प्लाई हो जाएगा। अरे कैसे होगा कॉन्ट्रेक्टर साहब, क्या आपको अपने एडहेसिव पर इतना भरोसा है? कॉन्ट्रेक्टर साहब जरा तशरीफ लाइए और मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। नया कॉन्ट्रैक्ट उठाने से पहले रॉफ मास्टर फिक्स अपनाएं। इसकी मैजिकल बॉन्डिंग टाइल या नेचुरल स्टोन को किसी भी सरफेस पर फिक्स कर दे, चाहे प्लाईवुड हो, मेटल, सीमेंट शीट या बाइसन बोर्ड, कहीं पर भी। हर तरह के ड्राई वॉल पे टाइल्स या स्टोन फिक्स कर सकता है एकदम। लेकिन सबसे पहले आप हमें यह बताइए कि अलग अलग सरफेस पर कैसी दिक्कतें आती है। हर सरफेस का अपना अपना सिर दर्द है, जैसे कि मेटल और प्लाईवुड, सब में एक जैसी बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे मिलेगी? मेटल पानी बिल्कुल अब्सॉर्ब नहीं करता, वही प्लाईवुड पानी अब्सॉर्ब कर लेता है। बाहरी सरफेस पर मौसम खेल दिखाता है, गर्मी में मेटल एक्सपांड कर जाता है और ठंडी में सिकुड़ जाता है। और लिफ्ट की टाइल्स वाइब्रेट होती रहती है और रेस्टोरेंट की मेटल फ्लोरिंग इतना लोड झेलती है, उस पर हेवी ट्रैफिक होता है, सोचिए कि उसकी बॉन्डिंग कैसे बनी रहेगी। वर्टिकल सरफेस की तो खासी दिक्कत है, एक तो इंपैक्ट ज्यादा, टाइल्स फिसलने का डर और ओपन टाइम इतना कम। अब इतने कम टाइम में बड़ा टाइल्स हो या बड़ा स्टोन फिक्स करना मतलब झमेले पे झमेला। और हर झमेले का एक ही जवाब है, रॉफ मास्टर फिक्स का मैजिक। जरा आराम से बैठिए कॉन्ट्रैक्टर साहब और आगे आगे देखिए होता है क्या। तो चलिए परखते हम रॉफ मास्टर फिक्स की फ्लेक्सिबिलिटी को। इसे परखने के लिए हमने ली है ये मेटल शीट, जिसपे 24 घंटे पहले रॉफ मास्टर फिक्स से हमने लगाई है ये टाइल्स। तो देखते हैं इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है। तो जैसा कि आपने देखा, मेटल शीट बेंड हो गई पर टाइल्स अपनी जगह से नहीं। ये है फ्लेक्सिबिलिटी रॉफ मास्टर फिक्स की, जो है बेजोड़ और लाजवाब। तो चलिए एक और बार आजमाते हैं हम रॉफ मास्टर फिक्स की फ्लेक्सिबिलिटी को, इस बार प्लाई के सरफेस पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस प्लाई सरफेस पे 24 घंटे पहले हमने रॉफ मास्टर फिक्स से ये टाइल्स फिक्स की है। आइए देखते हैं कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है। तो जैसा कि आपने देखा, प्लाई टूट गई पर टाइल्स टस से मस नहीं हुई। अब आप भी मानते हैं ना कि रॉफ मास्टर फिक्स की फ्लेक्सिबिलिटी है लाजवाब। तो देखा ना आपने, ये कमाल है रॉफ मास्टर फिक्स के स्पेशल फॉर्मुलेशन का, जो R2T श्रेणी में आता है, EN और ISO द्वारा प्रमाणित। और यही एडवांस टेक्नोलॉजी देता है आपको 60 मिनट तक का ओपन टाइम। आइए दिखाते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जरूरत के हिसाब से बेस और हार्डनर के हिस्से मिक्स करें, फिर उचित नॉच ट्रावल से इसे सरफेस पर फैलाएं। ध्यान रहे, ट्रावल से मिक्स एक ही दिशा में स्प्रेड करें ताकि ये स्मूथली फैले। अब टाइल को इस पर लगाएं और जिस तरफ से ट्रावल से स्प्रेड किया है उसकी उल्टी दिशा में टाइल को घुमाएं। ऐसे टाइल को पूरा कवरेज मिलता है और फिर मैजिकल बॉन्ड स्ट्रेंथ। चाहे वॉल हो या फ्लोर, प्लाई हो या मेटल, सीमेंट शीट हो या फिर बाइसन बोर्ड, रॉफ मास्टर फिक्स का टू कंपोनेंट एडिशन करता है वो मैजिकल बॉन्डिंग कि टाइल या नेचुरल स्टोन कहीं भी फिक्स हो जाए। अरे कॉन्ट्रैक्टर साहब कहाँ चले गए आप? अरे सर दो कॉन्ट्रैक्ट और मिल गए। आपने जो रॉफ मास्टर फिक्स दिलवा दिया ना सर, आपके उपकार कभी नहीं भूलेंगे। और आप भी अपनी प्रोग्रेस ऐसे ही करते जाइए, क्योंकि मेटल हो या प्लाई, रॉफ मास्टर फिक्स जकड़ के दिखाए। इसे आप मेटल, प्लाईवुड, बाइसन बोर्ड और दूसरे ड्राईवॉल सबस्ट्रेट्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्टर फिक्स आता है हाई ओपन टाइम और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। इसे आप फ्लोर और वॉल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। EN 12004 की R2T क्लास और IS 15477 टाइप 5 स्टैंडर्ड पे ये खरा उतरता है।